हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और हम फिर से काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ चुके हैं बिट वाइस और सीमेंस की तरफ से। और यहाँ ये जो दोनों अपॉर्चुनिटी है हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। प्रोफाइल क्या होने वाली है, क्या कौन कौन सी ब्रांच और बैच एलिजिबल है, सीटीसी क्या होने वाली है, लोकेशन क्या होने वाली है, वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो करियर अपडेट से लेके हो, चाहे वो जॉब अपडेट से लेके हो, चाहे किसी भी कंपनी के से कोई भी अपडेट आई हो, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटवाइज की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम स्क्रोल डाउन करते थे, देखो जो इनकी पोजीशन ऑफ टाइटल होने वाला है ना, पोजीशन ऑफ टाइटल या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन किसे कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग की स्टाइफन आपका 15,000 पर मंथ मिलेगा जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद 4 LPA बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। लोकेशन होने वाली आपके पुणे, और मोड होने वर्क फ्रॉम होम नाउ, रिलोकेशन विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर पैंडेमिक सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट टाइप जो अभी है आपकी इंटर्नशिप होने वाली, इंटर्नशिप में आप अच्छा करोगे तभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो और जो स्क्रोल डाउन करते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बीटेक, और जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है एनीथिंग मैकेनिकल सिविल को छोड़ के बाकी सभी एलिजिबल है, में IEEE, CSE, IT, टेलीकम्युनिकेशन, और जो ईयर ऑफ पासिंग पर्टिकुलरली 22 बैच वाले हैं, ठीक है। और जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है, ऑल ऑफ द ग्रेजुएशन 10th स्टैंडर्ड से लेके रिसेंट ग्रेजुएशन तक 60% ऐसे अब। और जो आपकी स्किल होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिक थिंकिंग, और फ्लेक्सीबल टू वर्क इन एनी टेक्नोलॉजी एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, असेसमेंट ऑनलाइन, टेक्निकल राउंड ऑनलाइन, HR राउंड ऑनलाइन, सिलेक्शन ऑनलाइन, और ऑन बोर्डिंग सारा ऑनलाइन। और ये चीज यहाँ पर जानने वाली, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव बी अवेलेबल फॉर फर्दर ऑनलाइन इंटरव्यू, जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें अवेलेबल होना पड़ेगा, और कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग, जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं ना वही अप्लाई करना, और रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अप्लाई कर लेना। देन दूसरी आपकी जो है दूसरी जॉब प्रोफाइल है वो आ रही है सीमेंस की तरफ से, और जो इनकी प्रोफाइल होने वाली फ्रेशर की, लोकेशन होने वाली इनकी बैंगलोर इंडिया की, और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें, द वर्ल्ड नेवर स्टैंड लाइव, ये क्या क्या लिखा हुआ है अभी तक इसमें कुछ जानने लायक है नहीं। फ्रेशर इंटर्न कैंडिडेट इन मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग पाइथन और वीबी स्क्रिप्ट, इम्प्लीमेंट एंड डेवलप ऑटोमेटेड टेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बोथ सीमेंस सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर, इंटीग्रेट द टेस्ट सूट्स इनटू द टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्क विद क्यूए मैनेजर, ठीक है। मतलब ऑटोमेशन की जॉब होने वाली है आपकी, ठीक है। तो आप अप्लाई कर लेना, फुल टाइम जॉब होने वाली है आपकी, ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल बने सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।